नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रीनस्पून गार्डन में। आज हम बात करेंगे आप घर पर बैठकर किस तरह से एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए, यानी कि एक कीटनाशक। बहुत ही सिंपल है बनाना। उसके लिए सबसे पहले आपको एक बाल्टी लेनी है, उसमें थोड़ा पानी लेना है, पानी जितना मर्जी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमें लेना है तम्बाकू। जी हाँ, आपने सही सुना, तम्बाकू। तम्बाकू आपको 5 रुपये का या 10 रुपये का इजिली बाजार में मिल जाएगा। ये एक मैंने ये वाला लिया है, आप कोई और भी तम्बाकू ले सकते हैं। तम्बाकू तम्बाकू होता है और ये ऑर्गेनिक होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अंदर कोई भी केमिकल आपके प्लांट्स में नहीं जाएगा। आपको इस तरह से एक तम्बाकू का पैकेट खरीद लाना है मार्केट से, और लाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जो तम्बाकू का पैकेट है आपको इसको पानी के अंदर डाल लेना है। मैं आपको आगे डाल के दिखाता हूँ इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी बाल्टी के अंदर पानी है और इस पानी के अंदर हमें ये तम्बाकू डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से तम्बाकू उसके अंदर डालने के लिए, ये इस तरह का तम्बाकू है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये तम्बाकू आपको इस तरह इसके अंदर पानी के अंदर डाल देना है। तम्बाकू पानी के अंदर डालने के बाद आपको इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है किसी भी लकड़ी की छड़ी से या कोई भी आपके पास कोई रॉड हो उससे। लेकिन आपको इसी का ध्यान रखना है कि आपको मेटल की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। ये देखिए, ये दूसरा पैकेट है। एक पैकेट आपके लिए 2 लीटर पानी के लिए इनफ रहेगा। ये मैंने करीब 5 लीटर लिया, तो उसके अंदर मैंने 2 पैकेट डाले हैं। ये एक एक पैकेट ये मुझे 5 रुपये का पड़ा है। 10 रुपये के अंदर ये हमारा बहुत ही अच्छा कीटनाशक बनेगा। आप देखते रहिए आगे तक वीडियो में। इसके अंदर मैं आपको अपडेट भी दिखाऊंगा इसके साथ में, इसकी क्या अपडेट रही है दोस्तों। ये डालने के बाद हमें कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक कोई भी आपको छड़ी लेनी है, कोई डंडा लेना है। कोशिश कीजिए कि आप जो इसमें डंडा लेंगे वो लकड़ी का हो, और उसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए, इस तरह से किसी शेडी एरिया में इसको हमें ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है। 2 से 3 दिन के अंदर क्या होगा, जो पानी होगा या तम्बाकू का जितना भी इसके अंदर मटेरियल होता है वो सारा अपने अंदर सोख लेगा, यानी कि तम्बाकू के जितने भी गुण या अवगुण आप कुछ भी बोल सकते हैं वो इसमें आ जाएंगे। दोस्तों देखिए, ये है 2 दिन के बाद का रिजल्ट। पहले हमारे पानी का कलर क्या था और अब क्या हो चुका है, जो तम्बाकू की पत्तियां जो बिल्कुल ऊपर तैर रही थी वो बिल्कुल अब नीचे जा चुकी हैं, यानी कि पानी ने तम्बाकू को अच्छे से सोख लिया है। और इसको लेने के बाद हम एक बार फिर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब हम इसको यूज़ करेंगे। और इसको यूज़ करने से पहले हमें इसको फिर से एक बार दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स इसलिए करना है ताकि जो कुछ भी चीज़, अगर जो भी इसका मटेरियल अगर मान लीजिए नीचे बैठा होगा, वो फिर से पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इस तरह से इसको मिक्स करने के बाद अब ये जो तम्बाकू का पानी है ये हमारा यूज़ करने के लिए तैयार है। तो चलिए देखिए इसको कैसे यूज़ करना है। हमें कोई भी बोतल ले लेनी है स्प्रे के लिए, और इसको आधा इसको हमें भर लेना है। भरने से पहले आपको याद रखना है कि ये जो तम्बाकू का पानी है आपको इसको किसी छलनी से छान लेना है। उसके बाद आधा इसके अंदर हम बोतल के अंदर भर लेंगे। और उसके बाद एक हम कोई भी साबुन ले सकते हैं, फेस वॉश आप ले सकते हैं, डिश वॉश आप ले सकते हैं, कोई भी साबुन ले सकते हैं। साबुन मतलब साबुन होनी चाहिए। साबुन से क्या होता है कि अच्छे से ये पानी इसके अंदर मिक्स हो जाता है और आपके प्लांट के अंदर ये ज़्यादा असर करता है। ये देखिए, इसके अंदर मैं इसको डाल लूँगा, करीब आधा चम्मच इसको मुझे डालना है इसके अंदर। आपको याद रखना है कि इसके अंदर हमें आधा बोतल ही पानी लेना है और बाकी इसके अंदर हम नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो मिक्स करेंगे। टैप वाटर को मिक्स करने के बाद हम अच्छे से इसको शेक कर लेंगे। शेक करने के बाद जो उसका कलर होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद हम इसको ईजिली इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये है, इसके अंदर मैंने पानी भी मिक्स कर लिया है और जो मैंने इसके अंदर फेस वॉश थोड़ा सा डाला था वो भी मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको हमने अच्छे से शेक किया, और शेक करने के बाद ये देखिए आपके सामने ये है रिजल्ट। इस तरह का आपको ये दिखाई देगा। आप अगर आपके पेस्टिसाइड का कलर इस तरह का है तो मतलब आपने बिल्कुल सही इसको बनाया है। तो चलिए देखते हैं अब इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने प्लांट के आगे हम इसको रखेंगे इस तरह से, और अच्छे से इसको हम स्प्रे करेंगे प्लांट के ऊपर। पहले हम इसको स्प्रे करेंगे, फिर प्लांट की जो भी रूट्स हैं उसके अंदर स्प्रे करेंगे। ये देखिए इस तरह से, मतलब कहने का ये है कि हमें प्लांट को अच्छे तरह से चारों तरफ से ऊपर और नीचे से इसको स्प्रे करना है। कोई भी जगह में इसको छोड़ने नहीं है। तम्बाकू के अंदर इस तरह के कुछ गुण होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े छोटे छोटे होते हैं जो उसमें लगने वाले होते हैं वो उसको मार देता है, ख़त्म कर देता है। आप अपने कैक्टस के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास कुछ एस्ट्रोफाइटम्स के कैक्टस हैं, इसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे कैक्टस के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके कैक्टस हमेशा हरे भरे रहेंगे। किसी तरह का कोई भी इसमें कीटाणु नहीं लगेगा। किसी तरह का मैलवा या कुछ और जितने भी इसके अंदर बीमारी लगते हैं ये सब बीमारी को दूर रखेगा। दोस्तों तम्बाकू से बना हुआ जो कीटनाशक है वो हम किसी भी प्लांट पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हमारे
वेजिटेबल के प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो। ये देखिए एक मेरे पास है अडेनियम का प्लांट है और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसके ऊपर मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों इस्तेमाल करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको यूज़ करें हमेशा इसका यूज़ शाम के टाइम करें, कोशिश करें कि शाम के टाइम इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि शाम को जो ठंडक होती है मौसम के अंदर वो प्लांट को रिवाइव करने में थोड़ा हेल्प करती है। तो इसलिए आप जब भी इसका इस्तेमाल करें शाम के टाइम करें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।